ऊपर से लेके नीचे तक जितना भी जाली सिलेक्टेड टोला है किसी को काम करना नहीं आता। जब आप ये कहते हो महंगाई भी एक मसला है, आपको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? महंगाई ने तो मुल्कों के मुल्क उजाड़ दिया, आप कितने और कहते हो घबराना नहीं है? जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों मैं आज फिर लेके आया हूं आपके साथ एक और ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग और मज़ेदार पाकिस्तानी वीडियो। आज आप इस वीडियो में देखेंगे कैसे मरियम नवाज जो है इमरान खान पर सीधे बयानबाजी कर रही है, और उनके बयान में इमरान खान को जो कुछ बातें की जा रही है उसको पाकिस्तानी मीडिया आजकल खूब उठा रहा है। वो बता रहा है कि जो मरियम नवाज है उनका जो स्पीच देने का तरीका है वो एक वज़ीर आज़म के खिलाफ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वो क्लिप आपके लिए लेके आया हूँ, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो छोटी है लेकिन बहुत ही अच्छी है, उससे पता लगता है कि जो मरियम नवाज़ है वो बयान इमरान खान पर कैसे बयान दे रही है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। और हाँ दोस्तों, कमेंट में जय हिंद जरूर बोलना। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं, वीडियो के बाद वीडियो के बारे में कुछ बातें करते हैं। ऊपर से लेके नीचे तक जितना भी जाली सिलेक्टेड टोला है किसी को काम करना नहीं आता। जब आप ये कहते हो महंगाई भी एक मसला है, आपको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? महंगाई ने तो मुल्कों के मुल्क उजाड़ दिया, आप कितने और कहते हो घबराना नहीं है? आप तो नहीं घबराते क्योंकि आपका किचन और आपका घर दूसरे लोग चलाते हैं। इन्होंने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे भी पालने हैं। मुझे कहना पड़ता है कि ये हुक्मरान सिर्फ जाली और सिलेक्टेड नहीं है, ये गंदे भी हैं। इनकी सोच भी गंदी है, इनकी ज़हनियत भी गंदी है, इनकी ज़ुबानें भी गंदी है। गिलगित बल्तिस्तान में किसी लोटे को वोट नहीं मिलना चाहिए। मेरी बहनों जरा बताओ, लोटों को कहाँ रखते हैं? उनको वॉशरूम में, गुसलखानों में और बाथरूम में रखते हैं। उनकी जगह ना आपके घरों में, ना आपके पोलिंग स्टेशन में, ना उनकी जगह गिलगित बल्तिस्तान में। तो दुनिया को पता चल गया है कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने जा रही है इंशाल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान में। कब तो सारे एक पेज पे थे ना, तब तो कोई मसला नहीं था। अब तो सफ़े भी पलट गए और एक पेज वाले भी इधर के उधर चले गए हैं इंशाल्लाह ताला। अब अगर आपने मजीद धांधली करने की कोशिश की तो आवाम न सिर्फ आपके चेहरे पहचानेगी बल्कि आपका घेराव करेगी और आपको इंशाल्लाह ताला नेम भी करेंगे और शेम भी करेंगे। शेर का सूरज तलू होने जा रहा है इंशाल्लाह। तो ये कहते हैं कि ये भी मसला है, ये भी मसला अभी हल नहीं हुआ। हमारे पास कोई जादू का चिराग तो नहीं है कि हम दिनों में मसले हल कर लें। क्या आप 3 साल हुकूमत चलाने के बाद आप कहें कि पहले दिन भी हुकूमत में आने से पहले कंटेनर पे भी नवाज शरीफ, हुकूमत में आते साथ भी नवाज शरीफ, 1 साल बाद भी नवाज शरीफ, 2 साल बाद भी नवाज शरीफ और 3 साल बाद भी सवाए नवाज शरीफ के कोई लफ्ज नहीं है उनके मुंह पे? एक पंजाब का भी आजकल एक वजीर आला है बेचारे, जब वो बात करते हैं तो मैं दिल में जरूर सोचती हूँ कि इस बेचारे को तो बात ही करनी नहीं आती, काम करना तो बहुत दूर की बात है। मासूम से है वैसे, मैं उनके खिलाफ कुछ कहना नहीं चाहती, उनके चेहरे पे बहुत मासूमियत है। इन बहनों से पूछो कि जब महंगाई एक घर का मसला बन जाता है तो वो घर के घर उजड़ जाते हैं। बदजुबानों को लोगों ने अमेरिका से भी उठा के बाहर फेंक दिया और पाकिस्तान से भी उठा के बाहर फेंकेंगे इंशाल्लाह। यासीन नाम तो है ही खूबसूरत, लेकिन मुझे नहीं पता था यासीन के लोग भी इससे इतने खूबसूरत है माशाल्लाह। आलो आलो करीब। इमरान खान और उसके साथी वो लोग हैं, जब ये मुंह खोलते हैं तो इनके मुंह से गलाजत टपकती है। मुझे बहुत दिली तौर पर तकलीफ होती है जब मुझे इमरान खान जैसे शख्स का नाम लेना पड़ता है। हर जगह एक ही आवाज अल्लाह ताला के फजल और करम से गूंज रही है और उस आवाज का नाम है नवाज शरीफ। वत्तो वत्तो शेर वत्तो। लोटों को वोट नहीं देना। दुनिया में जो बीमारी आई जिसको COVID-19 कहते हैं, पाकिस्तान में वो बीमारी 2018 में ही आ गई थी। मियां साहब ने तो उसको पहले कह के साइड पे कर दिया कि बेटा तुम्हारी लड़ाई नहीं है, तुम छोटे आदमी हो, इससे बाहर रहो, ये बड़ों की लड़ाई है। बेवफा इंसान की लोटे की जगह बाथरूम में है या पाकिस्तान के और गिलगित बल्तिस्तान के पोलिंग स्टेशन पे? मैंने कभी इस जाली हुकूमत को ना हुकूमत समझा है ना इससे दरख्वास्त की है। मैं ये जरूर कहूंगी कि इनके नसीब में
अवाम की खिदमत करना लिखा ही नहीं है। मरियम नवाज अपने भाइयों के घर आई है आज, तो मैं आपके लिए एक नारा लगाती हूँ, आलो आलो शेर आलो। अल्लाह ताला की मुसव्वरी हमें गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती में भी नजर आती है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों मैं आज फिर लेके आया हूं पाकिस्तानी मीडिया से रिलेटेड एक और ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो। दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा है, जो मरियम नवाज़ है वो जो है इमरान खान पर काफ़ी बयानबाजी कर रही है। यही हाल इमरान खान की सरकार का है, वो भी नवाज़ शरीफ मरियम नवाज़ पर काफ़ी बुरे तरीके से बयानबाजी करने पर लगे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, जो पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी हुई है, पाकिस्तान में जो महंगाई के दाम है इतने ज़्यादा बढ़ गए, ये जो मरियम नवाज़ और इनकी पार्टी है ये सिर्फ इसी मुद्दे को उठाकर पाकिस्तान में फिर से इलेक्शन कराने की फिराक में चल रहे हैं। जब से नवाज़ शरीफ ने लंदन में बैठकर ये बयान दिया था कि जो पाकिस्तानी फ़ौज है उसी के इशारे पर पाकिस्तान की पार्टी या पाकिस्तान की सरकार चलती है, तब से ही पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का इशू बहुत ज़्यादा चढ़ चुका है और इमरान खान की सरकार गिनने को हो गई है। अब बात करते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की। पाकिस्तानी पब्लिक भी आजकल मेरे ख्याल से नवाज़ शरीफ का ही साथ देने पर तुली हुई है, क्योंकि इमरान खान की सरकार के कारण या इमरान खान की सरकार के चलते पाकिस्तान में जो महंगाई हुई है उसके कारण पाकिस्तान की जनता जो है इमरान खान से अच्छी खासी नाराज हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान में जो महंगाई है इसके कारण गरीब आदमी पूरी तरह से दुखी हो चुका है। वो अपना मतलब जीवन बिताने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उसको रोटी तक बड़ी मुश्किल से मिल पा रही है। वहाँ पर भी बात कर लेते हैं आटे की, तो आटा है 75 रुपये किलो हो चुका है और चीनी 110 रुपये किलो हो गई है। हाँ दोस्तों, यही रेट है और इसी रेट को आप सुनकर मेरे ख्याल से आपको लग रहा होगा कि ये रेट बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन अगर बात करें इंडिया की कंपेयर में ये रेट आधे से भी ज़्यादा है। और लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान अपनी जनता की तरफ अब भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने पर लगा हुआ है। अगर वो ये सब कुर्सी को ध्यान ना दे और अपनी जनता को फिर से सहूलियत दे या कैसे भी करके पाकिस्तानी महंगाई को कम करते, तो मेरे ख्याल से उसको इस तरह के बयानबाजी करने या सुनने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन ये तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान के लोगों का दिमाग आपको पता ही है, ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही काम करते हैं, जनता से इनको कोई भी मतलब नहीं होता है। और अभी बात करते हैं नवाज़ शरीफ की। नवाज़ शरीफ चाहे कितना भी वर्ष था, कितना भी गुस्सा था, इसके बावजूद भी जो पाकिस्तान जनता है उसको चाहती है फिर से दोबारा से पीएम बनाना। और तो आप इस वीडियो को देखकर क्या ओपिनियन रखते हैं, आपको इस वीडियो को देखकर क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। और हाँ दोस्तों, अगर आप दिल से भारतीय हैं तो प्लीज़ कमेंट में ना जय हिंद जरूर बोला करो, क्योंकि जब आप जय हिंद बोलते हो तो उससे हमें बहुत मोटिवेट मिलता है और हमें दिल से लगता है कि मैं सच भारत के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा हूं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों अपना ख्याल रखना, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।